हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बिकॉज आई हैड फीवर एंड आई कुडंट अपलोड अ वीडियो यस्टरडे, सो दैट्स व्हाई। एंड इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी वेरी अमेजिंग रेसिपी व्हिच इज़ मटन स्ट्यू। एंड सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो ये है मटन गाइस, ये है 700 ग्राम्स मटन। ओके, ये है अनियन जो मैंने बहुत बारीक काटा हुआ है, और ये है चॉप्ड अनियंस, और यहाँ है कुछ स्पाइसेस जैसे सॉल्ट, थोड़ा सा काली मिर्च मतलब हाफ टी स्पून, एंड कश्मीरी लाल मिर्च एंड ज़ीरा पाउडर, और ये कुछ मिर्ची या अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च साबुत, और ये खड़े मसाले तेज़पत्ता एंड ऑल। तो गाइस इसे, तो सबसे पहले गाइस हमें इसमें मस्टर्ड ऑयल डालना है 4 टीस्पून के लगभग, क्योंकि उसमें मटन में तो ऑलरेडी फैट रहता है तो वो आपका मेल्ट हो ही जाएगा। तो मस्टर्ड ऑयल में आप बनाइए, ये बहुत अच्छा बनता है मस्टर्ड ऑयल में। आई नो बहुत लोग ऑलिव ऑयल एंड रिफाइंड ऑयल भी चूज़ करते हैं, लेकिन मैं मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। देन मैंने इसमें अनियन ऐड कर दिया है, अब इसे तेज़पत्ता भी ऐड कर दिया है, सारे खड़े मसाले भी इसमें जाएंगे, और इसे हमने ब्राउन करना है प्याज को, और ये मैंने मिर्ची भी डाल दिया। अब इसे हम लोग चलाइए और इसे ब्राउन, प्याज हमें प्याज को ब्राउन करना है। नेक्स्ट इसमें सॉल्ट, मैंने सॉल्ट इसीलिए पहले डाला है क्योंकि ये बहुत जल्दी प्याज इससे जल जाता है, ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मेरा प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड करूँगी मटन, सारे मटन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हम लोग अच्छे से चलाएंगे और जब तक भूजेंगे कि जब तक इसका पानी पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, क्योंकि मटन बहुत वाटर रिलीज़ करेगा आपका डालते साथ पैन में, सॉरी कुकर में। तो इसे भूजिए अच्छे से जब तक ये पूरा पानी आपका सूख ना जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने काली मिर्च डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, देन जो सारे स्पाइसेस थे मैंने वो भी डाला है इसमें। गाइस ये बहुत इजीली हो जाएगा आपको, और ये मैंने प्याज 5 to 6 बड़े प्याज लिए हैं, क्योंकि इसमें आपका थिकनेस के लिए आपको प्याज ही ज़्यादा डालना पड़ता है। देन 1 कप सिर्फ वाटर ऐड कीजिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपका मटन पानी छोड़ेगा बहुत ज़्यादा, और इसे मैंने 4 विसल तक वेट किया ये अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए गाइस, मैंने ये कुकर हटाया और कितना अच्छा इसमें स्मेल है, बहुत ही अच्छा, और सारे ऑयल भी सेपरेट हुए हुए हैं। तो इसे हम अच्छे से भूजेंगे, इसे बहुत अच्छे से हमें भूनना है, कम से कम 15 to 20 मिनट्स हमें इसे मीडियम फ्लेम पर भूनना है, ताकि सारे ऑयल और अच्छे से भुन जाए और सारे मसाले अच्छे से मतलब रॉ स्मेल ना रहे, ठीक है। और इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि ये तो थोड़ा थिक थिक जैसा रहेगा इसका कंसिस्टेंसी। और ये देखिए गाइस, हमारा मटन स्ट्यू रेडी हो गया है, वाओ। तो गाइस बहुत ही इजीली मैंने आपको इसका मेथड बताया है, तो ये ज़रूर अपने अपने घरों में ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि ये कैसा बना है। ये देखिए गाइस, इसका सारा ऑयल भी आपको दिख रहा होगा, बहुत टेस्टी लगता है गाइस ये।